पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये दास्तां है जसजीत सिंह गिल की, जिसका जन्म 3 दिसंबर सन 1970 में हुआ, जिन्हें हम जिमी शेरगिल के नाम से जानते हैं। इनका जन्म एक सिख परिवार में हुआ, गांव देवगहिया, जगह सरदार नगर, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ये एक बहुत नामी जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिताजी की बुआ अमृता शेरगिल जानी मानी पेंटर रहीं। जिमी शेरगिल की पढ़ाई हुई सेंट फ्रांसिस कॉलेज लखनऊ में और फिर इन्हें पंजाब भेज दिया गया। इनके आगे की पढ़ाई द पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा और बिक्रम कॉलेज पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में हुई। अपनी बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये एमबीए करना चाहते थे। इनके बुआ के बेटे सुमिंदर सिंह ने इनसे कुछ बातें की। सुमिंदर सिंह इनसे तकरीबन उम्र में 10 साल बड़े हैं। दुर्भाग्य से सुमिंदर सिंह के पिता का मर्डर हो गया। और उसने कहा कि मैं जसजीत सिंह यानी कि जिमी शेरगिल के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ, उसे दिल्ली भेज दिया जाए, मैं दिल्ली में बहुत अकेला महसूस करता हूँ। सुमिंदर ने ही इनसे कहा कि इन्हें फिल्मों का हिस्सा बनना चाहिए। हालांकि जिमी सिर्फ सनी देओल और संजय दत्त की फिल्में ही देखा करते थे और इनके पिता सत्यजीत सिंह शेरगिल बतौर हॉबी एक पेंटर हुए। लेकिन जिमी शेरगिल का दूर दूर तक कोई और नाता नहीं था आर्ट की दुनिया से। किसी तरह से ये मुंबई पहुंचे और रोशन तनेजा साहब की एक्टिंग क्लासेस का ये हिस्सा बने। घर बार से पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए आसानी से ये मुंबई में संघर्ष कर सकते थे। इसी बीच जिमी शेरगिल को पता चला कि महान लेखक और निर्देशक गुलजार साहब एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है माचिस। ये वहां पहुंच गए असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी के लिए और तब जिमी शेरगिल की लुक्स और उनके बातचीत करने के अंदाज से इतने मुतासर हुए गुलजार साहब कि उस फिल्म में इन्हें एक बड़ा अच्छा रोल थमा बैठे। गुलजार साहब अक्सर अच्छा शॉट होने के बाद दो टॉफी दिया करते थे और जिमी शेरगिल को भी अपनी एक्टिंग के लिए इस तरह की टॉफीज काफी मिली गुलजार साहब के हाथों। माचिस के साथ साथ यश चोपड़ा की फिल्म मोहब्बतें भी इन्हें मिली। गुलजार साहब, आदि चोपड़ा और यश चोपड़ा साहब की वजह से इनका करियर आगे बढ़ा। ये किस्सा भी मशहूर रहा कि जब ये मात्र 18 बरस के थे तो हॉस्टल में अपने लंबे बालों से अक्सर परेशान हो जाया करते थे। अपने पिताजी से इन्होंने अनुमति मांगी कि क्या मैं अपने बाल काट सकता हूँ। इन्होंने अपने बाल तो काट लिए पर तकरीबन 1.5 बरस तक इनके पूरे परिवार ने इनसे ठीक से बात नहीं की। जिमी शेरगिल ने फिर हासिल फिल्म में काम किया और ये फेहरिस्त लंबी रही। मुन्ना भाई एमबीबीएस का किरदार कौन भूल सकता है, मेरी यार की शादी है, इस फिल्म में भी जिमी शेरगिल का अभिनय देखते ही बनता है। इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि इनकी शादी हुई इनकी गर्लफ्रेंड प्रियंका से। इस शादी से इन्हें एक बेटा पैदा हुआ, नाम रखा वीर। बॉलीवुड की दुनिया में काम पाना बड़ा कठिन है। भले ही आप किसी बड़े परिवार से हों या फिर एक साधारण परिवार से, अंत में हुनर ही काम आता है और जिमी शेरगिल के साथ ठीक वैसा ही हुआ। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।